आगे रामगढ़ के विद्यानगर में तीन की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने घर में लूटपाट के बाद घर की मालकिन की हत्या कर दी है और फिर घर में आग लगा दिया। आसपास के लोगों ने जब धुआं देखा तो घर की भागे, साथ ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। फिलहाल पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम में मौके पर पहुंची है, फिलहाल जांच की जा रही है। रामगढ़ जिले के विद्यानगर में काफ़ी हृदय विदारक घटना घटी है, जहां पे जो है अज्ञात लोग पहुंचते हैं और घर में एक तरह से कह डकैती की वारदात को अंजाम देकर घर के मालकिन को जान से मार देते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इसी घर की, और जो है जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि लगभग तीन की संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसमें दो लड़के थे और एक लड़की युवती शामिल थी। ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि ये जो महिला थी रेलवे रिटायर्ड कर्मी की पत्नी थी और घर में अकेली थी, अमूमन जो है किसी के भी आने पर यह दरवाजा नहीं खोलती थी, लेकिन विकट परिस्थिति में जैसा लोग आसपास के लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो परिचित लोग थे, इस वजह से वो महिला जो है नीचे जाके गेट खोलती है और उसके बाद यहाँ पर तो धुआं हुआ का सब देखा है, जो धुआं लग रहा था उसके बाद आदमी जागरूक हुआ तो देखा जो क्या हुआ है, तो पता नहीं चल रहा है, तो फिर थाना पुलिस को बुलाएगा, उसके बाद सारा चीज आप लोग के सामने है। कुछ तस्वीरें यहाँ भी दिखाएंगे आपको, चूंकि ये किसी परिचित के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, चूंकि जो टेबल है टेबल पर जो है नाश्ता रखा हुआ है, यानी उस महिला ने जो है यहाँ पहुंचे लोगों को नाश्ता भी कराया। और देखिए हैवानियत की हद कि नाश्ता करने के बाद जो है यहाँ पे एक जो शुरुआती दौर में ये पता चल रहा है कि डकैती की गई, डकैती करने के बाद जो है महिला पर जोरदार प्रहार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और साथ ही साथ जो है घर में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो शुरुआती दौर में पता चल रहा है कि संभवतः साँच को मिटाने के लिए इस तरह के वारदात किए गए हैं। अचानक जब घर से धुआं उठता है तब आसपास के लोग यहां पहुंचते हैं और तब यहां की स्थिति देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर एसडीपीओ रामगढ़ थाना प्रभारी पहुंचे हैं और चूंकि तमाम पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, शुरुआती दौर में ये पता चल रहा है कि किसी परिचित के द्वारा इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है और यहाँ पे डकैती की गई है, लेकिन फिलहाल जो है अभी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, वो भी जांच करेगी कि शायद कोई फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे मिल सके, जानने की कोशिश करेंगे कि। तो रामगढ़ एसडीपीओ का कहना है कि पूरे मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है, जाँच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि इस घर में सीसीटीवी कैमरा भी है, तो हो सके जब पुलिस जांच करेगी तो सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता चल सके, लेकिन हालांकि जो यहां जो पहुंचे थे अपराधी वो एक तरह से सातिर थे, बताया जाता है कि सीसीटीवी के डीवीआर को भी वो अपने साथ ले गए, तो ऐसे में जो है ये पूरा मामला जो है अगर अभी देखा जाए तो अनसुलझा है, लेकिन पुलिस इस पर आगे की क्या कार्रवाई करती है और जांच के बाद क्या कुछ मामला स्पष्ट हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 11 के लिए रामगढ़ से मैं सचिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।